आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या पूरा मामला है, किस वजह से ये आयोजन? अस्सलाम वालेकुम, मैं फराज शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। जैसे कि पूरा मुमरा जानता है कि हॉस्पिटल को बचाने के लिए जो हमने चिंगारी लगाई थी वो आग की तरह पूरे मुमरा में फैल चुकी है, और ये आग शायद इसकी जो इनकी जो धुएं से ना कुछ लोग है, और यहाँ के स्पेशली यहाँ के जो जितेंद्र अवार्ड MLA है उनको ज्यादा असर पड़ा लग रहा है, क्योंकि वो इतनी बौखलाई हुई और इतनी बेसलेस बातें कर रहे हैं। आज उसी वजह से जो है हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बात की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको ये बात बोलने से पहले सोचना चाहिए था, उनको ऑलरेडी उनके ऊपर 3-3 FIR हो चुके हैं, उनके ये बात सोचना चाहिए था कि अगर एक और FIR मैं कर दूं उनके ऊपर, वही 354, जिससे आपके दिल पर ठेस पहुंचती है, तो फिर आपका क्या हाल हो जाएगा। ये आपको सोचना चाहिए था कि 3-3 FIR हो चुकी है, मेरे मुंह से ऐसी कोई लफ्ज ना निकले जो आपको आगे जाके मुश्किल दे। तो उन्होंने तो वैसी हरकत कर दी, और उन्होंने भरी सभा में जिस तरीके से उन्होंने जो आलोचना की और जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जती की है, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए मैं लीगल एक्शन लेने वाली हूँ, और मैंने अपनी कार्रवाई भी चालू कर चुकी है उसके ऊपर। सबसे पहले उन्होंने मुझसे जो कहा था, हम 7 दिन से, आज का 7वां दिन है, हम अपनी जान पे खेल के, हमें इतनी तकलीफ हो रही है यहाँ पर बैठ के, रोज दो बार डॉक्टर चेकअप के लिए आ रहे हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट मौजूद है, उसके बावजूद भी आप बोलते हैं कि मैं रात में घर पर जाती हूँ बिरयानी खाती हूँ। अरे खुद तो मुमरा वालों के लिए कुछ कर नहीं पाए जिंदगी में, ना कभी असेंबली में जाके कुछ मांग कर लेकर आए यहाँ पर डेवलपमेंट वाली चीजें। आप यहाँ पर जो मुमरा के बच्चे मुमरा को संभालने के लिए सक्षम हो चुके और वो उनके लिए फाइट कर रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलोगे? ये बात जो है वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है कि मैं घर जाके, मेरे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं अकेले से मेरे लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर 15 लाख लोगों के भरोसे के लिए बैठी हूँ, वो 15 लाख लोग जो है वो मुझ पर भरोसा करते हैं। ठीक है ना, ये सही में मेरे सर घूम गए। थोड़ा सा पानी लेकर हमेशा अंदर रखा है कैबिन में, आज चक्कर लगी एकदम से। इतने दिन से इतनी फील नहीं, मेरे को आज पता नहीं बात हुई, ऊपर नीचे मेरे को चक्कर आ गया, मेरे को एकदम घूम रहा था। ठीक है, स्टार्ट करो वापस से। बिरयानी खाने वाली बात तो आपने बताई, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज और भी कहा है, उन्होंने जिन्ना की पोती का ऐसा शब्द कह कर जिक्र किया है, तो इसमें क्या कहना है? देखिए ये सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर मैं दो बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात, मेरे जो दादा, मेरे ताया मेरे पीछे बैठे हुए, मेरे दादा इंडिपेंडेंस टाइम, जब हम लोग का इंडिपेंडेंस का टाइम था, आजादी की लड़ाई जब लड़ी थी, मेरे दादा जो है वो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में थे। आज कहीं ना कहीं उन्होंने देश के लिए फाइट की थी, तो मुझे लगता है उनका खून हम में दौड़ रहा है, इसलिए हम उमरा के लिए फाइट कर रहे हैं। और जिन्ना की पोती बोलने पर उन्होंने मुझे मेरी नेशनलिटी पे चैलेंज किया। जिन्ना जो थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे, और मैं जो हूँ वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे इनकी डिग्री पे डाउट होता है, जो अपने आप को ये डॉक्टर बोलते फिरते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, अरे आप कैसे डॉक्टर हो कि आपको अपनी देश की हिस्ट्री नहीं मालूम है? जिन्ना कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे, और वो पार्टीशन के टाइम पर उन्होंने पाकिस्तान जाना चूज किया था। हम बाय बर्थ बाय चॉइस इंडियन है, और हमारे दादा इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ चुके हैं। तो आपने ये जो अभी किया है, इसके लिए मैं आपको अब चैलेंज देती हूँ। दो ओपन चैलेंज है मेरे उनके लिए। सबसे पहले उनको ये है, क्या उनको साबित करना पड़ेगा कि मैं जिन्ना की पोती हूँ, अब उनको साबित करना पड़ेगा कि मैं जिन्ना की पोती हूँ। और दूसरी बात, मैं ओपन चैलेंज ये भी देती हूँ कि 7 दिन से मेरे पेट में एक अनाज का दाना नहीं है,
वो प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने उनकी भेजी हुई बिरयानी खाई है, वो प्रूफ करके दिखा दे, और फिर वो प्रूफ करके दिखा दे कि क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो शायद मैंने आज तक कभी मुमरा के किसी बिल्डर को देखा तक नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है जो आप बिल्डर कह रहे हैं कि 50,000 लाख। मैं बस उसी के ऊपर आ रही थी कि आज तक मैंने मुमरा के किसी बिल्डर को मैं पर्सनली या शक्ल से मैं जानती तक नहीं हूँ। मैंने आज तक मुमरा के कोई बिल्डर्स को देखा तक नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं है, मुझे आज तक पता भी नहीं। हाँ वो मुझे जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानती उनको। तो आप कैसे ये दावा कर सकते हो? और मैं एक बात बता दूं, उनकी बातों में आप लोगों ने अगर एक बात नोटिस की होगी, उन्होंने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है वो बिल्डरों से पैसे वसूलते हैं। इसका मतलब आप इलीगल बिल्डिंग कहाँ कहाँ बन रही है इसकी जानकारी आपको है। और आपने एक वीडियो वायरल किया था कि जहां जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट करें। आप कुछ तालमेल बिठा सकते हो इस वीडियो में? यानी आपको पता है और आप दूसरों के सामने जनता के सामने जो वो मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो, और आपने इतनी बड़ी बेइज्जती की जब आपकी खुद की बेटी की बारी आई और अपनी गंदी सियासत को आपने छुपाने के लिए असेंबली में आप 40 मिनट तक आप रोए और बोल रहे थे कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया, मेरी फैमिली को इंसाफ नहीं दिला पाया। और आपने जिस बेटी के ऊपर उंगली उठाई वो मुमरा की बेटी है। आपने अपनी गंदी सियासत के लिए अपनी मासूम बच्ची का इस्तेमाल किया। इससे तो शायद ये भी साबित होता है और ये हो सकता है कि इन्हीं ने क्या किया होगा, दो लोगों को रिकॉर्डिंग किया होगा और ये वायरल करा दिया, और महेश आर्य और इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इनकी बच्ची बेचारी फंस गई। तो अपनी गंदी सियासत को प्लीज, आपने जो कर चुका वो आज आप भुगत रहे हो। आप बोलते हो ना 354 जैसा इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगा है, मेरे दिल को दुखता है। अरे एक दूसरा आरोप अब मैं लगाने वाली इंशाल्लाह। अभी मैंने इसके ऊपर मैंने अपनी फाइट चालू कर दी है, और आपके ऊपर डिफेमेशन का केस भी जाएगा IPC 500, 509 और 354। ये तीनों सेक्शन आपके ऊपर अप्लीकेबल है जिस तरीके से आपने मेरे बारे में बात की है। इंशाल्लाह अभी ये देखिए कि आपके ऊपर इन्हीं सारे सेक्शंस के बिना पर FIR होगा। मैंने वहाँ पर पहले ओरली मैंने वहाँ पर दिया, उन्होंने कहा कि आप रिटर्न मुझे कंप्लेंट दीजिए, और जो रिकॉर्डिंग जो वीडियो उन्होंने बनाया है मैंने उसकी कॉपी पेन ड्राइव में दी है। अब वो बोल रहे थे कि मैं वेरीफाई करूंगा और उसके बाद जो है आपको मैं बुलाऊंगा। तो मेरी अभी आज फोन पर बात हुई थी यहाँ के सीनियर से, उन्होंने बोला कि मैं पहुंचूंगा वैसे ही आपको बुलाऊंगा। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपके सामने मौजूद है वीडियो, आपके सामने बात हो रही है, जस्ट बिकॉज वो MLA है इसलिए आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आपने इतनी बड़ी टिप्पणी की थी, फिर भी आप अब तक वो पुलिस वेरीफाई कर रही है, और आपने आपके ऊपर ये जो बीत रहे ना ये इसीलिए है कि आपने इतनी बड़ी हस्ती औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो टिप्पणी की है ना ये उसी का फिटकार है, कहीं ना कहीं उसकी आपको सजा मिल रही है। आप सोचिए, आपको महाराष्ट्र की हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है, आप उसके बारे में हमेशा बात करते हो। अरे हमारे देश में, और इनकी जो सोच है ना, मुझे पाकिस्तानी कहना जस्ट बिकॉज कि मैं फरहत शेख हूँ, मैं बुरका पहनती हूँ और मैं मुस्लिम लीग से बिलोंग करती हूँ, इसका मतलब मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। आपने ये बहुत गंभीर आरोप लगाया। ये नहीं, आपकी ये सोच जो है ना ये बताती है कि आप RSS की थिंकिंग रखते हो। आपकी सोच जो है वो RSS वालों की है। यानी अगर मुसलमान कोई बच्ची अपने शहर के लिए काम कर रही है तो आप उसको पाकिस्तानी करार दोगे? आप काम की राजनीति तो कर नहीं पाए हमसे, तो आप इस तरीके से बदनाम करोगे? कल को आप बोलोगे कि अरे ये लड़की उसने उस लड़के के साथ मिलकर आई या उस लड़के के साथ दिखी। कल को आप बोलोगे कि भाई इलेक्शन का टाइम आने दो। कल को ये भी बोलेंगे कि अरे ये इसकी नाजायज औलाद है। आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों का जो मन में आएगा आप बोलोगे, क्योंकि आप लोग काम पर हम लोगों को कंपेयर नहीं कर पा रहे हो और काम की राजनीति आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप पर्सनल अटैक कर रहे हो, और पर्सनल अटैक करोगे तो आपके ऊपर FIR होगी। ये मैं आखिरी कहना चाहूंगी।